भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से परास्त कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और ये एक बार इतिहास है वो महिला हॉकी टीम ने रच दिया। इस वक्त हमारे साथ महिला हॉकी टीम में खेल रही निशा वाशी का परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनके फादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माता हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सौरभ अहमद है सर। अहमद साहब, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि एक बार फिर इतिहास है वो महिला हॉकी टीम ने रच दिया है, सेमीफाइनल में प्रवेश किया है? बिल्कुल खुशी की बात है, इतनी बड़ी खुशी क्या नाम है मैं बयान नहीं कर सकता कि पहली बार जब से उसने जन्म लिया है आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हम इस अहदे पर पहुँचे हैं कि हमारी लड़कियां सेमीफाइनल में पहुँची हैं। इतनी मेहनत करके रहने के बाद एक लगन थी बच्चों को जो आज ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई आसान काम नहीं था लेकिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। हमारे साथ माँ भी मौजूद हैं निशा वारसी की, जो कि भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं। आंटी क्या नाम है आपका? मेहरून। कितनी खुशी हो रही है और क्या उम्मीदें अब पूरे देश को उम्मीदें जगी है कि जो हमारी टीम है वो गोल्ड लेकर आएगी, क्या कहना चाहोगे इस खुशी पर? आज इतनी खुशी है कि मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ और यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आएँ, अपने देश के लिए अपने देश का नाम रोशन करें बच्चे। देखिए हमारे साथ परिवार के और सदस्य ही मौजूद हैं, आपका क्या नाम है? ताबिश। ताबिश क्या कहना चाहोगे, निशा उस हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, उस हॉकी टीम की सदस्य हैं जिन्होंने इतिहास रचा है? मैं आज बहुत खुश हूं कि आज इंडिया हॉकी टीम ने पहली बार इतने सालों बाद क्वार्टर फाइनल में से जीत कर सेमीफाइनल पहुँची है और हम उम्मीद करते हैं कि वो गोल्ड ले गए, इंडिया विल गेट द गोल्ड मेडल। देखिए निशा की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, कितनी खुशी हो रही है आज आपको? सर अबाउट द एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा जो है इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और खुशी भी बहुत 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 ज़्यादा खुशी है हम लोगों को और बस यही हम लोगों की कामना है कि गोल्ड जीत कर आए और यही प्रे करते हैं सब जो प्लेयर्स हैं जितने भी अपना 100% दें एंड डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। देखिए जो परिवार है निशा का उनका कहना कि अब की बार जो महिला टीम है वो गोल्ड लेकर आएगी और देश का नाम रोशन करेगी। सोनीपत से ईटीवी भारत के लिए सनी मलिक।